श्री अग्रवाल सोशल ग्रुप के तत्वावधान में शुक्रवार 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नीमा सिटी रोड स्थित पारसमणि गार्डन में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन होने जा रहा है। कथा का वाचन भागवत आचार्य पंडित भीमा शंकर शास्त्री के मुखारविंद से किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव प्रतिदिन दोपहर 12 से 3 बजे तक पंडित भीमा शंकर शास्त्री धारिया खेड़ीवालों के मुखारविंद से प्रवाहित होगी। साथ ही 11 ब्राह्मण श्रीमद् भागवत कथा के 11 मूल पाठ भी करेंगे। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को कलश यात्रा से हुआ। कलश यात्रा नीमा सिटी रोड स्थित हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसका समापन कथा स्थल पारसमणि गार्डन पर हुआ। अग्रसेन सोशल ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि कथा श्रवण के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए शहर के बघाना से कथा स्थल तक निशुल्क बस की व्यवस्था भी की गई है। बस होली चौक बघाना से प्रातः 11:30 बजे रवाना होगी, जो शिव भंडार स्टेशन रोड चौकन्ना बालाजी श्री अग्रसेन वाटिका व मूलचंद मार्ग होते हुए कथा स्थल पर पहुंचेगी। श्रीमद् भागवत कथा का जो है शुभारंभ हो चुका है, कलश यात्रा भी निकल चुकी है, किस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर रहेगी और कितने दिवसीय कथा है? ये अग्रसेन सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन व्यासपीठ पर विराजित श्रीमान भीमा शंकर जी दारिया खेड़ी वाले शास्त्री जी के द्वारा मुखारविंद से भागवत कथा का आयोजन होगा। इसमें हमारे अग्रसेन सोशल ग्रुप द्वारा सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। सर्वप्रथम भगवान की पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा निकाली गई, उसमें पुरुष महिलाओं ने बहुत आनंद के साथ सहयोग किया एवं भाग लिया। उसके बाद अभी 12 बजे बाद भागवत कथा का आयोजन होगा और शहर की जनता इसका आनंद लेगी और हम सब बहुत उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। अधिक से अधिक संख्या में लोग पधारेंगे और भागवत ज्ञान यज्ञ का आनंद लेंगे। कलश यात्रा के मुख्य यजमान कौन है, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित है? कलश यात्रा हमारे इसमें जो भागवत गीता जो ज्ञान यज्ञ जो हो रहा है, उसमें मुख्य यजमान गोयल जनरल स्टोर परिवार एवं नारायणी देवी गोयल परिवार के दो मुख्य यजमान हैं एवं बाकी सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। सभी का सहयोग एवं सहयोग पूरा हमें मिल रहा है। आपका नाम और पद? मेरा नाम ओम प्रकाश बंसल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज नीमच।